Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. कोरोना संक्रमण से इकलौते कमाऊ सदस्य गंवाने वाले परिवारों को सक्षम बनाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को सक्षम योजना शुरू की है। योजना के तहत दिवंगत परिवार को प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन और दो बच्चों को 20,000 से 40,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति भी मिलेगी। कोई भी लाभ से वंचित ना रहे, इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने विशेष सेल बनाया है। इसका लाभ जून में मिलना शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में बुधवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा एक बार फिर से कम हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 40 मरीजों की मौत हुई है। पिछले दो सप्ताह में बनने वालों का ये सबसे कम आंकड़ा है। अब तक जम्मू कश्मीर में 3,702 मरीजों की मौत हो चुकी है। जम्मू जिले में ही 1,000 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या में भी कमी आई है। बुधवार को मात्र 3,037 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब तक 2,78,859 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 4,023 और मरीज स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 2,31,265 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शहर में बिजली के ट्रांसफार्मर के खराब या जल जाने पर उसे 8 घंटे में बदला जाएगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर को 48 घंटे में बदला जाएगा। बिजली ट्रांसफार्मर को बदलने की समय सीमा तय कर दी गई है। बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर का पर्याप्त स्टॉक एडवांस में उपलब्ध रखना होगा और देरी के लिए जवाबदेही तय होगी। ये निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू संभाग में गर्मियों में बिजली सप्लाई को सुचारू बनाने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करते दिया। उपराज्यपाल ने जम्मू संभाग में गर्मियों में बिजली की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में जारी कोरोना वैक्सीनेशन का कोई मुकाबला नहीं है। जम्मू कश्मीर में बेहतर प्रबंधन से कोरोना से उपजे हालात पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। दिल्ली में बुधवार को मीडिया से बातचीत करते डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में 45 वर्ष से ऊपर की आयु के 66% लोगों को कोरोना की पहली डोज दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अप्रैल के अंत से 17 मई तक जम्मू कश्मीर व विशेष तौर पर जम्मू में कोरोना से मौतों में वृद्धि चिंता का कारण बन गई थी। अब पिछले एक हफ्ते से मौतों, लोगों के पॉजिटिव होने के दर पर संक्रमण के मामलों में कमी आने लगी है। जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से एक और मरीज की मौत हो गई है। मरीज कठुआ जिले का रहने वाला था और कुछ दिन पहले ही जम्मू में इलाज के लिए भर्ती हुआ था। वह मधुमेह से पीड़ित था और कोरोना जांच में उसमें संक्रमण की भी पुष्टि हुई थी। वहीं विभिन्न जिलों में 8 और मरीज इसका इलाज करवा रहे हैं। जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यापारियों की वैक्सीनेशन करने के लिए जम्मू नगर निगम की ओर से शुरू किए गए विशेष अभियान के पहले दिन 1500 लोगों का टीकाकरण हुआ। नगर निगम ने इसके लिए 5 वैक्सीनेशन सेंटर निर्धारित किए हैं, जहां अगले 5 दिनों तक ये विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। इन 5 सेंटर के लिए नगर निगम ने अपने 5 नोडल अधिकारी भी मनोनीत किए थे, जिनके निगरानी में ये सारा अभियान चला। ये अभियान 5 दिन चलेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में साल 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4,200 किलोमीटर सड़कें बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि योजना के तहत 3,300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रदेश में 18 से 45 साल के आयु वर्ग में शुरू किए गए विशेष अभियान के दूसरे दिन
बुधवार को भी टीका लगवाने के लिए उत्साह देखा गया। 34,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन ली। दो दिन में इस आयु वर्ग के करीब 54,000 लोगों ने टीका लगवाया है। हालांकि 45 साल से अधिक आयु वर्ग में 4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो लक्ष्य से काफी दूर है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जम्मू संभाग में जम्मू, कठुआ, राजौरी और उधमपुर जिला और कश्मीर संभाग में अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर जिले में बुधवार को पत्रकारों, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों, वकीलों, दुकानदारों, रेहड़ी और ढाबा वालों और ड्राइवरों का टीकाकरण हुआ। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉ. राघव लंगर ने बुधवार को शहर की अनाज मंडी, वेयरहाउस, नेहरू मार्केट, कनक मंडी तथा नरवाल स्थित थोक फल व सब्जी मंडी का दौरा किया। वेयरहाउस के दौरे के दौरान डॉ. राघव लंगर ने फेडरेशन की ओर से स्थापित किए गए ऑक्सीजन वॉर रूम, मेडिसिन वॉर रूम व राशन वॉर रूम का भी जायजा लिया। वेयरहाउस फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने डॉ. राघव लंगर को बताया कि किस तरह से वे इन वॉर रूम से जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर, पाइप मशीनें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, कोरोना मरीजों की दवाइयां व गरीबों तक राशन पहुंचा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की 20 करोड़ से अधिक डोज देने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे अधिक केवल अमेरिका में लगभग 29 करोड़ डोज दी गई है। इस उपलब्धि का एक पहलू ये है कि देश में 45 साल से अधिक उम्र के हर तीसरे व्यक्ति को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। 60 साल से अधिक उम्र वालों में तो ये संख्या और भी ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत में 20 करोड़ डोज लगाने में 130 दिन का समय लगा।